यूं तो आरएसएन एक्सप्रेस में खबरों का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन आज हम एंटरटेनमेंट और मौज मस्ती के बारे में बात करने वाले हैं। हिसार के पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में ट्रेड फेयर चल रहा है, जिसे आज 20 दिन हो चुके हैं। इस ट्रेड फेयर में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लॉथिंग स्टॉल्स, खाने पीने के स्टॉल्स, ग्रॉसरी स्टॉल्स और होम डेकोर के आइटम्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा इस ट्रेड फेयर में झूले हैं, ओपन स्टेज है जहाँ पर आप डांस परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ओपन माइक भी है जहाँ पर आप सिंगिंग और शायरी जैसी चीज़ें कर सकते हैं। इस फैमिली फेयर की एंट्री लंदन ब्रिज के साथ करवाई जा रही है। DID 2009 के सीजन से सबका दिल जीतने वाले कमलेश पटेल भी इस फैमिली फेयर में आ चुके हैं। कमलेश ने डांस परफॉर्मेंस दी थी और लोगों को काफ़ी मोटिवेट भी किया था। इस फैमिली फेयर में घर की सजावट के लिए काफ़ी सारे सामान उपलब्ध हैं। क्रॉकरी और भी अन्य बर्तन यहाँ कम दामों पर मिल जाएंगे। हर तरह के कॉस्मेटिक्स भी इस फैमिली फेयर में उपलब्ध हैं। बच्चे और बड़ों दोनों के लिए बहुत सारे झूले हैं। कुछ झूले ऐसे भी हैं जिसे आपने किसी ट्रेड फेयर में नहीं देखा होगा। इस फैमिली फेयर में लोगों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे भी लगवाए गए हैं, जिससे वहां पर हो रही हर गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। यहां पर आने वाले सभी लोग काफ़ी मौज मस्ती कर रहे हैं। ये ट्रेड फेयर 3 अक्टूबर तक चलेगा। अगर आपको भी मौज मस्ती करनी है तो आप इस ट्रेड फेयर में ज़रूर जाएं। दिल ता पागल है, दो कड़ियां रोके चुप कर जाओ। तालियां। Thank you.